नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री साइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। हमारे संवाददाता कौशलेंद्र परासर ने बिहार प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड अभिषेक झा से खास बातचीत करी, जिसमें प्रवक्ता ने बताया कि नीतीश सरकार में 16 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, साथ ही तेजस्वी यादव तो प्रवासी नेता हैं। देखिए खास बातचीत। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और कंट्री इनसाइड न्यूज के साथ आज मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के तेज और ऊर्जावान एनआईटी प्रोडक्ट प्रवक्ता अभिषेक झा, जो नीतीश कुमार के को देखते हुए इन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया था। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि थकाऊ और उबाऊ मुख्यमंत्री बिहार के लिए हो गए हैं। अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। लेकिन नीतीश कुमार जी 70 वर्ष उम्र के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते हैं, और बिहार का कायाकल्प कहां से कहां कर दिया, और बोल भी कौन रहे हैं। तेजस्वी यादव, प्रवासी नेता प्रतिपक्ष, दिखाई पड़ते हैं यहां पर। अरे, इतिहास गवा रहा है उनका, राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। बिहार की जनता जब भी आपदा विपदा में रही हो, कभी नज़र नहीं आते हैं। आएंगे कब? चुनाव के समय, जब लगता है कि कोई राजनीतिक लाभ हो जाएगा जनता को कोई ढकोसला देकर। तो ऐसे नेताओं की, इस तरह की टिप्पणी का हमारे नेता पर कोई औचित्य नहीं है, जनता इनको सिरे से नकारती है। आज मुख्यमंत्री जी आँख का ऑपरेशन कराकर दिल्ली से लौटे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया था, और आदरणीय ललन बाबू ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह जो दौरा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली का, यह निजी दौरा था। इलाज के सिलसिले में वो गए थे, आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है, स्थिति बहुत अच्छी है, सामान्य है, वापस आ चुके हैं, और डॉक्टर्स ने सलाह दी है आराम करने के लिए। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी में बिहार की सेवा करने के लिए इतनी ऊर्जा है कि वो आराम कहाँ करने वाले हैं। लगातार वो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अपने काम में लग चुके हैं। माझी के बारे में और मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है कि कभी जब छिटकेंगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी बिहार में, और चिराग पासवान लगातार बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा सूत्रों का मानना है कि बीजेपी के संपर्क में है, आपको हराने का काम किया, जेडीयू को हराने का काम चिराग पासवान ने किया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान के बारे में? देखिए, दो परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल पूछा, एक आपने मुकेश सहनी जी और जितना मांझी जी के विषय में पूछा, और दूसरा चिराग पासवान जी के विषय में। चिराग पासवान जी ने नकारात्मक राजनीति बीते विधानसभा के चुनाव में की, जो लेगेसी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की थी उसको वो आगे लेकर नहीं जा पाए, उसका परिणाम जनता ने उन्हें दिया। जीरो पर बोल्ड हुए, उनके पार्टी में इतनी बड़ी टूट हुई, परिवार के लोग भी उनको नेता मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो उनका तो जो होना था वो जनता ने ऑलरेडी कर ही दिया है, और वो नकारात्मक सोच के साथ चुनाव में गए थे। नकारात्मक सोच कभी भी सफल नहीं हो पाती है, आगे भी उनका राजनीतिक अस्तित्व अब बहुत बड़े खतरे में है। और आप मुकेश सहनी जी और मांझी जी की चर्चा कर रहे थे, बड़ी मजबूती के साथ वो एनडीए में है, उन्होंने ही कई बार स्पष्ट किया है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि महागठबंधन के इतने सारे विधायक, कांग्रेस आरजेडी के विधायक व्याकुल हैं इधर आने को। आने वाले समय में क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा आप लोगों के लिए भी। अभिषेक जी, एक बात और आप बताएंगे, क्या आपके मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में देश की राजनीति दिल्ली जाकर करेंगे क्या? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा रही है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पारदर्शिता उनकी रही है, वही राजनीतिक पूंजी रही है। पूरे देश के लोग उनको पसंद करते आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बीते 16 वर्षों से उनके मार्गदर्शन में बिहार चल रहा है, उनके नेतृत्व में चल रहा है, और बहुत बखूबी चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक कद है या उनकी जो आभा है, वो पूरे देश में फैली हुई है। आप सुन रहे थे जेडीयू के जुआ और सबसे तेज तरार प्रवक्ता अभिषेक झा जी को। इन्होंने कहा नीतीश कुमार ने 16 साल बिहार में काम कर दिखा दिया कि नीतीश कुमार बिहार में क्या कर सकते हैं, और पूरे देश के नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। हमारे सहयोगी राजेश के साथ कौशलेंद्र, पटना से।